In the step 4, you have to use Boolean operator. So, what are the Boolean operators? These are actually main Boolean operator are 3, AND, OR, NOT. So, ये यूज होते हैं आपकी लिटरेचर की सर्च को एक्सपैंड करने के लिए और नैरो करने के लिए. जो एंड का वर्ड है, ये यूज होता है दो कंसेप्ट्स के दरमियान देखने के लिए कि ये दोनों मौजूद हो. फॉर एग्जाम्पल, फैमिली भी मौजूद हो और आईसीयू केयर भी मौजूद हो. फैमिली एंड आईसीयू केयर, तो जो डेटाबेस है वो क्या करेगी, फैमिली के वर्ड को भी आइडेंटिफाई करेगी और आईसीयू के वर्ड को भी आइडेंटिफाई करेगी, और जिस आर्टिकल में ये दोनों वर्ड्स होंगे उसको सर्च के लेके आएगी. तो जो एंड का वर्ड है ये फिल्टर के लिए यूज होता है. और का मतलब होता है कि वन पॉइंट अदरवाइज एन अदर पॉइंट. मिसाल के तौर पे फैमिली इन्वायरमेंट और आईसीयू, के इन दोनों में से अगर कोई वर्ड भी आपको लिटरेचर में से मिलता है तो आपने उसको लेकर आ जाना है. नॉट का मतलब ये होता है कि एक्सक्लूड करने के लिए, कि आप ये कहते हैं कि फैमिली इन्वायरमेंट नॉट आईसीयू, के फैमिली की इन्वायरमेंट तो चाहिए हमें आर्टिकल के अंदर से, लेकिन हमें वो आर्टिकल नहीं चाहिए जिसके अंदर आईसीयू में इन्वॉल्व हो. सो इनको भी क्रिएट करने की स्ट्रेटजी होती है. अगेन आई यूज चैट जीपीटी टू जनरेट बुलियन ऑपरेटेड कीवर्ड्स लाइक पेशेंट सेंटर्ड. पेशेंट सेंटर जो है ये एक कंसेप्ट है, पर्सन सेंटर्ड ये भी कंसेप्ट है, और पेशेंट फोकस ये भी कंसेप्ट है, इंडिविजुअलाइज ये भी कंसेप्ट है, और ये सारे सिमिलर कंसेप्ट हैं, इसीलिए इनको ब्रैकेट के अंदर क्लोज किया गया है. और इन सब का एक मेजर कंसेप्ट था, वो ये था पेशेंट सेंटर्ड केयर. तो पेशेंट सेंटर्ड केयर इज अ कंसेप्ट, और उसके अंदर जो सिमिलर वर्ड्स हैं वो ये हैं. अब इनके दरमियान लिखा हुआ है एंड केयर, तो इसका मतलब है कि जब मैं इस सब कीवर्ड्स को डेटाबेस में सर्च करूंगा तो वो ये सर्च करेगा या तो पेशेंट सेंटर्ड केयर हो, या पर्सन सेंटर्ड केयर हो, या पेशेंट फोकस, या फिर इंडिविजुअलाइज्ड. इनमें से जो टर्म भी लिटरेचर के अंदर मौजूद होगा ये उसको सर्च करेगा एंड केयर, और उसके साथ केयर का होना बहुत जरूरी है. सो इस तरीके से ये हेल्प आउट करेगा आपके लिटरेचर को फाइंड आउट करने में. सेम गोज विद, इसको मैंने किया कैसे है, चैट जीपीटी पे मैंने लिखा एड बुलियन एंड और नॉट एंड जनरेट कीवर्ड फॉर लिटरेचर सर्च. एक्चुअली क्या था कि जो मेरे पास प्रीवियस थ्रेड चल रहा था उसी थ्रेड के अंदर जब मैंने ये चीज मेंशन की तो मुझे अब यहाँ पे टॉपिक वगैरह कोई चीज लिखने की नीड नहीं पड़ी. चैट जीपी ने खुद अंडरस्टैंड कर लिया कि मेरा इसका मतलब यह है कि जो पीछे कन्वर्सेशन चल रही है उन्हीं के अंदर से मैंने कीवर्ड्स को जनरेट करना है. सो इस तरीके से आप कीवर्ड जनरेट कर सकते हैं. नेक्स्ट वीडियो में मैं क्या करूंगा, अब आपको इसकी प्रैक्टिकल चीजें करके दिखाऊंगा कि हम डेटाबेस के अंदर जब इन सब चीजों को एंटर करेंगे तो किस तरीके से हमारे जो रिजल्ट हैं वो फिल्टर्ड होते हैं या फिर इंक्रीज होते हैं. थैंक यू.